स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आपको नजर आ रहे हैं, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदरणीय पंडित सुमन घोष जी। पंडित जी भारतीय शास्त्रीय संगीत के साधक हैं, जबरदस्त कलाकार हैं, और एक परिचय आपका ये भी है कि आप महान कलाकार पंडित जसराज जी के सीनियर डिसाइपल यानी वरिष्ठ शिष्यों में से एक हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शिवेंद्र जी, बहुत धन्यवाद, और आपके सारे दर्शक श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार प्रणाम। तो पंडित जी, हम लोग का सौभाग्य रहा कि जसराज जी का आशीर्वाद हमको भी मिला, और मुझे तो लगता है कि रागगिरी जिस तरह से हमारी 6-7 साल से हम लगातार कर रहे हैं, बड़े बड़े कलाकारों से हमारी बातचीत होती है, इन सब में कहीं ना कहीं हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जसराज जी जैसे, उनका आशीर्वाद मुझे दिखाई देता है, लगता है कि हाँ उनका आशीर्वाद है। तो इस इंटरव्यू की एक जो रवायत रही है, एक परंपरा रही है कि हम सबसे पहले अपने मेहमान से ये विनम्र गुजारिश करते हैं कि वो कोई भजन सुनाएं, कोई भक्ति गीत सुनाएं, और फिर हम बातचीत का परंपरागत सिलसिला शुरू करें। तो आपसे भी विनम्र गुजारिश है कि कोई भक्ति रचना से इस इंटरव्यू की शुरुआत कीजिए। जी बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैं एक भजन आपके लिए पेश करता हूं। चाहत कमल नयन को, देख चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदास, निस दिन रहत उदास, दर्शन के प्यासे देखो जात कमल नयन को, निस दिन रहत उदास, निस दिन रहत उदास, निस दिन रहत उदास, केसर तिलक मोतिन की मारा, केसर तिलक मोतिन की मारा, वृंदावन के वासे, वृंदावन के वासे, नेहल गाए त्याग गतिमल गाए त्याग गतिम डार गयो कल पासे, डार गयो कल पासे, लखियाहर दर्शन के मन की को जानत,
के मन की को जानत लोगन के मन हासी सूरदास तब तुम्हारे दरस ले हो कर बट को अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला सवाल तो मैं पंडित जी आपसे यही जानना चाहूंगा कि जब आज की तारीख में जब हम इंटरनेट के जमाने में हैं और लोग परिचय ढूंढने के लिए गूगल बाबा का सहारा लेते हैं और सबसे पहले वहीं पर जाके चेक करते हैं किसी भी फील्ड के आदमी के लिए, जब मैं आपके इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा था और आपके गायकी से तो मैं परिचित हूं ही, पहली लाइन जो पढ़ने में आई जो बहुत प्रोमिनेंटली लिखी हुई है कि टॉर्च बेयरर ऑफ पंडित जसराज जी, इस बात को आप कितनी बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर देखते हैं? जी ऐसा है, हमारी परंपरा के बारे में तो फिर से कहने की जरूरत नहीं, आप अच्छे खासे जानते ही हैं कि हम जो भी होते हैं हमारे गुरु के बदौलत होते हैं। मैंने अभी कहीं लिखा था कि कोई भी कलाकार को जो भी ऊंचाई तक पहुंचने का मौका मिले या ना मिले, गुरु के चरण तले बैठे जो जगह हैं वहां पे, वो उनके लिए सबसे ऊंचाई वाली जगह होती है। तो हम उसी लिए जिंदगी भर उन्हीं के टॉर्च बेरर रहते हैं। और मेरे लिए इस सेंटेंस का एक बहुत ज़बरदस्त स्पेशल एक कुछ सिग्निफिकेंस है, मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो घटना, मैं उनसे तालीम लेने के लिए जब पहले मिलने लगा, उनके पास आने लगा, तो मैं उनसे पूछता रहता था बड़े संकोच के साथ कि गुरुजी बताइए कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं मेरे लिए क्या, आपकी क्या आदेश है, क्या करूं मैं। कहने का मकसद यही था कि गुरु दक्षिणा के तौर पे हो और भी जो भी संभव है जो भी। और मैं सदा कहता था उनसे, आखिरी समय तक सदा ये कहता रहा कि जो मेरे लिए संभव नहीं भी है वो भी कहिए, मैं कोशिश तो करूंगा। हाँ, सो शुरू में जब ऐसा कहता था, एक दिन मुझसे कहें, शायद वो तीसरा दिन रहा, कि बेटा तुम जब मुझसे पूछ ही रहे हो, रोज पूछते हो, ऐसा करना कि मेरी संगीत को, मेरे सोच को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने का काम करो, फैला दो, यही तुम्हारी गुरुदक्षिणा है, यही तुम कर सकते हो, यही तुम्हारी सेवा है। और ये मुंबई में बैठे कह रहे थे एक ऐसे समय जब सनसेट का टाइम था, और उस समय वो जहाँ थे पीछे, उनके पीछे खिड़की से मुझे सेटिंग सन नज़र आ रहे थे। तो मुझे वो वक्त मैं कभी भूल नहीं पाया। सो हर दिन हर वक्त वो उनका वो सेंटेंस मेरे लिए इंस्पिरेशन बना रहता, तो परिचय मेरा वही रह गया, रहेगा। और सबसे बड़े शान की बात है कि मैं उनका टॉर्च बेयरर हूँ। बस ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।